इस साल बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो हाल ही के दिनों में रिलीज होने वाली हैं, जिनके ट्रेलर्स और टीजर्स रिलीज हुए हैं, और इन मूवीज के लीड रोल में वो स्टार्स हैं जो कि बहुत बड़े स्टार्स नहीं हैं, लेकिन इनके ट्रेलर्स को देखकर ये कहा जा सकता है कि हाँ दम तो है। और ये कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनके शायद आपको नाम भी नहीं मालूम होंगे, जैसे कि रुसलान। ये एक्शन एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है जो कि 26 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। अगर आपको इसके लीड एक्टर का नाम पता है तो नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिए। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की, जो कि मीडिया आउटलेट्स बताती हैं 25 से 30 करोड़ रुपए हैं। इस बजट की अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं हुई है, लेकिन मीडिया आउटलेट्स यही बताती हैं। अगर वाकई में 25 से 30 करोड़ इस फिल्म का बजट है तो मैं कहूंगा कि फिल्में ऐसी ही होनी चाहिए। इसके इतने कम बजट होने की एक और बड़ी वजह हो सकती है कि इस फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं है। इनफैक्ट टीजर आने से पहले तो मैं इस फिल्म के लीड एक्टर का नाम भी नहीं जानता था, जो कि है आयुष शर्मा। इस फिल्म के टीजर को काफी अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की गई है, जिसको देखकर ये लगता है कि एक्शन इसमें जबरदस्त होने वाला है और स्टोरी काफी इम्प्रेसिंग होने वाली है। इस फिल्म के लीड रोल में है आयुष शर्मा, विद्या और जगपति बाबू। बात करते हैं अगली फिल्म के ट्रेलर क्रू की, जो कि कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, और इसके लीड रोल में है बॉलीवुड की तीन बड़ी एक्ट्रेस तब्बू, करीना कपूर एंड कृति सेनन। ये तीनों ही कैरेक्टर्स एक प्लेन में क्रू है जो कि अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज चाहती है। इन्हें अपनी जिंदगी को संवारने के लिए एक मौका चाहिए होता है, जो कि इन्हें मिलता है गोल्ड स्मगलिंग के जरिए, और इस गोल्ड स्मगलिंग की वजह से इनकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, इस चीज को कॉमेडिक वे में दिखाने की कोशिश करी गई है। और इस फिल्म को रिलीज होना है 29 मार्च 2024 को, जिसके डायरेक्टर हैं राजेश ए कृष्णन, और इस फिल्म का बजट कोई कंफर्म नहीं है। कई मीडिया आउटलेट्स और बाहरी सोर्सेज ये बता रही हैं कि इस फिल्म का बजट 10 से 50 करोड़ है, तो कुछ ये बता रही हैं कि इस फिल्म का बजट 30 करोड़ है। तो फिलहाल इस फिल्म का बजट ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, जो कि बाहरी सोर्सेज से ही पता चल रहा है। अगली आने वाली फिल्म का ट्रेलर है मैदान, जो कि स्पोर्ट्स बायोग्राफी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसके लीड रोल में है अजय देवगन और प्रिया मणि। इस ट्रेलर का एक डायलॉग काफी इम्प्रेसिव और बढ़िया है, जो कि है सोच एक, समझ एक, दिल एक, इसलिए मैदान में उतरोगे 11 लेकिन दिखना एक। इस फिल्म की कहानी 1952 से लेकर 1962 तक इंडियन फुटबॉल टीम के उस गोल्ड पीरियड को बताता है, जब इंडिया की फुटबॉल टीम ने लगातार 2 बार ओलंपिक्स में जगह बनाई थी। फिल्म के डायरेक्टर है अमित शर्मा, और ये फिल्म रिलीज होने वाली है 11 अप्रैल 2024 को। इस फिल्म का बजट भी ऑफिशियली नहीं बताया गया है, लेकिन एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट भी 60 करोड़ के आसपास है। अगली आने वाली फिल्म का ट्रेलर है मैड गॉन एक्सप्रेस, जो कि कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है। फिल्म के लीड रोल में है कुणाल केमू, नोरा फतेही, दिव्यांशु शर्मा, जिन्हें कि हम मिर्जापुर वेब सीरीज में मुन्ना भैया के नाम से जानते हैं, और आशीष तिवारी, प्रतीक गांधी। प्रतीक गांधी जो कि 1992 हर्षद मेहता स्कैम वेब सीरीज में लीड रोल में थे। इस फिल्म के डायरेक्टर भी कुणाल केमू ही है, और ये फिल्म 22 मार्च 2024 को रिलीज होने वाली है। इसके बजट का एस्टिमेट लगाया गया है 50 से 60 करोड़ रुपए। और अब बात करते हैं आने वाली उन फिल्मों की जिनके फिलहाल में सिर्फ टीजर ही लॉन्च हुए हैं। पहली फिल्म जिसका टीजर रिलीज हुआ है वेदा, जो कि एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म होने वाली है, और इसके लीड रोल में है जॉन अब्राहम, सरवरी वाघ, तमन्ना भाटिया और अभिषेक बनर्जी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं निखिल अडवाणी, और ये फिल्म रिलीज होने को है 22 जुलाई 2024 को। अगली फिल्म जिसका टीजर रिलीज किया गया है वो है फतेह, जो कि एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है, और इसके लीड रोल में और डायरेक्टर भी हैं सोनू सूद, और फीमेल लीड रोल में है जैकलिन फर्नांडेस। फिलहाल इस फिल्म के न तो बजट का पता चल पाया है और न ही रिलीज की तारीख, यहां तक कि इस टीजर में सोनू सूद का फेस भी रिवील नहीं हुआ है। बस इतना ही बताया गया है कि ये फिल्म 2024 में आने वाली है।